यह कहानी है यूपीएससी एग्जाम के टॉपर रह चुकी आईएएस सृष्टि देशमुख की, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2018 में पांचवी रैंक प्राप्त की थी। से बहुत से यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपना आइडल मानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू संतोष सक्सेना। आईएएस सृष्टि देशमुख का पूरा नाम सृष्टि जयंत देशमुख है। इन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2018 में पूरे भारत में पांचवी रैंक प्राप्त की है। सृष्टि देशमुख का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल के कस्तूरबा नगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जयंत देशमुख तथा माता सुनीता देशमुख हैं। सृष्टि देशमुख का एक छोटा भाई भी है। इनके पिता इंजीनियर हैं तथा इनकी माता प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका हैं। सृष्टि देशमुख ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भोपाल से ही पूरी की। वह शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल थी। इन्होंने 10वीं कक्षा में 8 CGPA प्राप्त की तथा 12वीं कक्षा में 93% अंक हासिल किए थे। इसके बाद इन्होंने भोपाल के ही प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की थी। इनकी यूपीएससी की जर्नी भोपाल से ही शुरू हुई थी। सृष्टि देशमुख ने एक इंटरव्यू में बताई थी कि इन्होंने स्कूल के समय में ही आईएएस ऑफिसर के बारे में सुनी थी, परंतु तभी इन्हें यूपीएससी के बारे में कुछ पता नहीं था। कॉलेज आने के बाद इन्हें धीरे धीरे यूपीएससी एग्जाम के बारे में पता चला। सृष्टि ने बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी तथा भोपाल में ही यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स की थी। इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2018 में टॉप कर पूरे देश में पांचवी रैंक हासिल की तथा लड़कियों में इनकी पहली रैंक थी। इसके बाद फिर वह आईएएस की ट्रेनिंग के लिए लवासना यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चली गई, जहां उन्होंने 2 साल की ट्रेनिंग पूर्ण की। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद इनकी पहली पोस्टिंग अपने ही राज्य मध्य प्रदेश के डिंडोरी में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में हुई। वर्तमान में सृष्टि देशमुख मध्य प्रदेश के गाडरवाड़ा में अनुमंडल पदाधिकारी के पोस्ट पर कार्य कर रही है। सृष्टि जैन देशमुख ने अप्रैल 2022 में डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा से शादी रचाई। डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा भी आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने भी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2018 में सफलता प्राप्त कर आईएएस अधिकारी बने थे। इनकी सफलता का मूल मंत्र है कंसिस्टेंसी। इनका मानना है कि कंसिस्टेंसी इज द की, दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। सृष्टि देशमुख ने बताया कि सफलता पाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है कंसिस्टेंसी। यदि आप 6-7 घंटे प्रतिदिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। सृष्टि देशमुख का कहना है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप यूपीएससी में सफलता पाने के लिए 17-18 घंटे ही पढ़े, बल्कि घंटे मैटर ही नहीं करते और हम उतने घंटे पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वह है कंसिस्टेंसी के साथ, एक सही दिशा में सही अप्रोच के साथ की गई मेहनत। यही सफलता का मूल मंत्र है। धन्यवाद।